मैं जेई का एग्जाम दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं FTSE दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे जैसे सोल्व किए हुए हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुप यादव, आई एम फ्रॉम नारनौल। आई जॉइन आकाश इंस्टीट्यूट फॉर 2 ईयर इंटीग्रेटेड क्लासरूम प्रोग्राम। मेरे को आकाश के बारे में एंथ एग्जाम के थ्रू पता लगा और फिर मैंने उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, फिर मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया। प्रेपरेशन स्ट्रेटजी थ्योरी पोर्शन मैंने क्लास में ही सारा कंप्लीट किया, जो टीचर पढ़ाते थे उसको अच्छे से सुनता था, और फिर घर पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिला कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ और उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। चैलेंजेस प्रेपरेशन के दौरान, एक बार मैं काफ़ी दिनों तक बीमार हो गया था, उसके कारण मेरी काफ़ी जो पढ़ाई का लॉस हो गया था। उसके बाद टीचर्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की और वो जो पेंडिंग सिलेबस था उसको कंप्लीट करवाया, और उसके बाद मेरा सिलेबस अच्छे से हो गया। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने मतलब प्रिपरेशन के दौरान हर टाइम पे मेरी कॉन्सेप्ट्स के अंदर काफ़ी मदद की, और मतलब काफ़ी अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए मेरे। जब भी मुझे कोई डाउट्स आते थे तो टीचर उसे अच्छे से क्लियर करवाते थे। जब भी टेस्ट्स में मेरे कभी भी लो मार्क्स आते थे तो मैं उसे एनालाइज करता था कि कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने वो जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, और फिर ताकि वो आगे मेरे कभी भी गलत ना हो, और मैंने उनको कभी भी आगे फिर रिपीट नहीं किया। आखिरी के एक महीने में मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए, मैंने प्रयास करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों, और कई बार तो लास्ट के दिनों में मैंने एक दिन में 2 से 3 टेस्ट भी दिए थे। पेरेंट्स ने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया, मैं पेरेंट्स के साथ रोज़ टाइम स्पेंड करता था, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, जिसके कारण मैं आगे की अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाता था। जेई की तैयारी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलरली क्लासेज अटेंड करना, फिर घर जाके होमवर्क कंप्लीट करना और रेगुलरली टेस्ट अटेंड करना, ये सब डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं है। बोर्ड्स के लिए ऐसा सच मुझको कुछ अलग करना नहीं पड़ा। जेई की प्रिपरेशन के दौरान ही NCERT भी की थी मैंने, तो उससे बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी होगी। जेई प्रिपरेशन के दौरान अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है, इससे आप अच्छे से पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। हर दिन कम से कम 6-7 घंटे 8 घंटे भी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल ऐसा सच मेरा कुछ था नहीं, मैं जब भी फ्रेश फील करता था तो मैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स सोल्व करता था, और जब थोड़ा सा डल फील करता था तो रिविजन की तरफ शिफ्ट कर जाता था। वैसे तो आकाश का मटेरियल सफिशेंट है जेई प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली सक्सेस मैग्नेट एंड अचीवर। बाकी अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती थी, मेरे को, मैं फिजिक्स में इरोडोव के कुछ क्वेश्चंस कर लेता था, मैथ्स के अंदर ब्लैक बुक, और केमिस्ट्री के अंदर नरेंद्र अवस्थी और बालाजी पब्लिकेशंस की बुक कर लेता था। FTS ने लास्ट मोमेंट पे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, और जब मैं जेई का एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं FTSE दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे जैसे सोल्व किए हुए हूँ। आकाश में पिछले 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। जो भी आपके डाउट्स हैं उसे अपने टीचर से ज़रूर कंसल्ट करो। कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्ज़ाम।